Ladies and Habibis, we are going to introduce to you a rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Dr. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. There was some problem. He's Adam Zakir. Hello, everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आप लोगों के पास हाजिर खिदमत। और आपको पता है कि हम जैद पटेल के झूठों को एक्सपोज कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। इसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है। आज हम एक और झूठ को एक्सपोज करेंगे और वक्त के साथ साथ हम इसके सारे झूठों को एक्सपोज करेंगे, वन झूठ एट अ टाइम। जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, मैंने सजेस्टेड वीडियो के अंदर पोस्ट कर दिया है, प्लीज पार्ट 1 को भी देख लें। आज पार्ट 2 है। स्ट्रीम के एंड में भी आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। चलें, आइए चलते हैं। पहले जैद पटेल का और समीर के साथ जो डिबेट हुआ, जिसमें वो समीर से बाइबल के बारे में बातें कर रहे हैं और मोहम्मद को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल के अंदर सपोजिटली मोहम्मद की प्रोफेसी मौजूद है। बाय द वे, जैद पटेल को पता होना चाहिए कि ना तो इसके अल्लाह को पता था किधर लिखा है और ना मोहम्मद को पता था किधर लिखा है। इसी वजह से ना तो अल्लाह ने बताया कि किस किताब में जाओ, तोरेतो इंजील। क्या मतलब है तोरेतो इंजील का? इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? व्हाट डज इंजील मींस? इंजील कहते किसे हैं? इनको तो इसका भी पता नहीं है। लेकिन एनी हाउ, ये हम किसी और दिन के लिए रख देते हैं। अभी तो बहुत मौके आने हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि इसके ऊपर बड़ी ढेर सारी वीडियोस बनेगी। जैद पटेल, तुम्हें फेमस मैं करेगा, तुमने तो आना नहीं है, लेकिन मैं तेरे को फेमस जरूर करेगा। आइए देखते हैं जो डिबेट हुई थी जैद पटेल की समीर के साथ, उसमें एक और चीज वो क्या बता रहे हैं। 14 वर्स 16 में आता है कि जीसस क्राइस्ट, अब न्यू टेस्टामेंट में हम आ गए, वो कह रहा है आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर। वो तुम्हें एक और कंफर्टर देंगे, हाँ, एक और कंफर्टर देंगे जो सहाथक, नीचे हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है सहाथक, मतलब एक और कंफर्टर देंगे एंड ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर। मतलब मोहम्मद सलासम की जो शरीयत है ना, वो फॉरएवर है, कयामत। क्या ही बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, यहां पे दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो आपको नजर आ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? आई विल प्रे द फादर। क्या खुदा मुसलमानों का बाप है? वंस अगेन, लेट मी आस्क अगेन, क्या मुसलमानों का खुदा बाप है? नहीं। कैसे नहीं? कुरान में देखते हैं जैद पटेल जैसे बेगैरत लोग किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं। लुक, दिस इज हाउ डिसेप्टिव दीज इडियट्स आर। कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 13 बताती है, बट द ज्यूज एंड द क्रिश्चियन सेज, लेकिन यहूदा नसारा कहते हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह, हम तो अल्लाह के बच्चे हैं, एंड हिज बिलव्ड, और हम उसके बहुत चहीते हैं, से कह दो, then why does he punish you for your sin? तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों की सजा क्यों देता है तुम्हें? एक और देख लें, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं उर्दू पढ़ लेता हूं। और कहते हैं यहूदों नसारा, हम बेटे हैं अल्लाह के और इसके प्यारे, तो कह दो फिर क्यों अजाब करता है तुमको तुम्हारे गुनाहों पर? कोई नहीं, बल्कि तुम भी एक आदमी हो इसकी मखलूक में से, बख्शे जिसको चाहे और अजाब करे जिसको चाहे, अल्लाह की ही सल्तनत आसमानों और जमीनों पे और जो कुछ दोनों के बीच में है, इसी की तरफ लौट के जाना है। मैंने पूरी आयत पढ़ दी ताकि कोई टेंशन ना हो, हिंदी पढ़ने वाले लोग नीचे से हिंदी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ब्लेटेंटली डिसएग्री करता है कि तुम मुझे अपने बच्चे नहीं कह सकते और मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, जाओ दफा हो जाओ, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। एक और आयत को देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 30 है, इसको हम पढ़ते हैं। The Jews says, Jews कहते हैं, Ezra is the son of Allah, Ezra जो है वो अल्लाह का बेटा है,
And the Christian says, or Christians कहते हैं, Messiah is the son of Allah. Messiah जो है वो अल्लाह का बेटा है. That is their statement from their mouth. ये तो सिर्फ उनकी मुंह की बातें हैं. They imitate saying of those who disbelieve before, may Allah destroy them. Who are they deluded? Allah तो कहता है, अगर तुम Jesus को भी अल्लाह का बेटा कहोगे, तो अल्लाह उन्हें हलाक करेगा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. کتنی بلیٹنٹلی یہ بات قرآن کر رہا ہے اور ہمارا زید پٹیل بائبل میں سے ایگزیکٹ وہ ورس نکال کے دے رہا ہے کہ محمد کو سپوزٹلی محمد کو جیزس کے باپ نے بھیجا ہے اور جیزس کا باپ کون ہے وہ تو گاڈ ہے تو وہ تو زید پٹیل کے مطابق اس کا اللہ ہے اس کا زید پٹیل کا اللہ ہے تو باپ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ ایک اور آیت دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے آ گئی چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے لے کے ہم 92 تک پڑھیں گے اور کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کی تم یہ ایک بہت بھاری بات لے آئے ہو ہوئی 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 بہت ہی بھاری بات لے آئے ہو بھائی بہت بھاری بات ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے گر پڑے کہ تم نے کہہ دیا اللہ باپ ہے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے زمین شک ہو جائے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا ویسے آسمان شاید کپڑے کا ہے جو پھٹ جاتا ہے سلا لیکن بعد میں دیکھیں گے کبھی اس بات کو کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی تھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمینوں میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی صورت میں نہیں 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 عبد سرونٹ سلیو عبد سرونٹ عبد کی صورت میں گندی ٹرانسلیشن دی ہے لیکن کوئی بات نہیں تو آپ کا ایز اے مسلمان رشتہ آپ کے اللہ سے کیا ہو سکتا ہے صرف ایک غلام کا صرف ایک غلام کا ماسٹر اور غلام کا ویئر ایز زید پٹیل ایگزیکٹلی جس آیت میں جا رہا ہے اس آیت میں وہ کیا بتا رہا ہے دوبارہ سے سن جان چیپٹر 14 ورس 16 میں آتا ہے کہ جیزس کرائسٹ اب نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم آگئے وہ کہہ رہا ہے I will pray the father and he shall give you another comforter وہ تمہیں ایک اور کمفرٹر دیں گے کون دے گا فادر کون دے گا باپ کون دے گا باپ کیا مانتے ہو باپ تمہارا خدا ہے تمہارا اللہ باپ بنتا ہے نہیں بنتا تو دنیا میں سے یہ والی آیت پوری بائبل میں سے یہ والی آیت تم کیسے لا سکتے ہو یعنی کہ بقول تمہارے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نہ صرف یہ کہ بائبل میں سے آیتیں بھی پک اینڈ چوز کرو گے بلکہ اس آیت میں اپنی مرضی سے ریموول بھی مار دو گے جس مرضی چیز کا ریموول مار دو یعنی کہ فادر کو یہاں پہ اللہ بھی بنا دو جبکہ یہاں پہ فادر لکھا ہوا ہے چلے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں اس آیت کا باقی پارٹ کیا ہے کمفرٹر کا تو سمجھ لگ گیا آپ کو جو لیکن اس کا جو سیکنڈ پرابلم ہے لیٹس لسن ٹو دی سیکنڈ پرابلم نیچے ہندی ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے سہاتھک مطلب ایک اور کمفرٹر دیں گے اینڈ ہی مے ابائیڈ وِد یو فار ایور اینڈ ہی مے ابائیڈ وِد یو فار ایور ہی وہ کمفرٹر وہ جو کمفرٹر ہے ہی جو کہ کمفرٹر ہے سہاتھک ہے ول ابائیڈ وِد یو فار ایور وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس کی تعلیمات کی بات نہیں ہو رہی بھائی کرائسٹ کی تعلیمات بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تک پتہ ہے ہمیں یہ لوگ جو مرضی بکتے رہے کہ کرپشن ہے یہ ہے وہ ہے اس سے زیادہ کرپشن تو ہم قرآن میں دکھا چکے ہیں ڈز ناٹ میٹر مسلمانوں کے مطابق دنیا کا ہر ریلیجن کرپٹ ہے سوائے اسلام کے اور ہم دکھا چکے ہیں کہ اسلام سے زیادہ کرپٹ ہے وہ ایک سیکنڈری بات ہے لیکن جو لکھا ہوا ہے جو تم دکھا رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے کیا محمد تمہارے ساتھ آج بھی موجود ہے اب دیکھو یہ اس پارٹ کی ٹرانسلیشن کیا کر رہا ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے جو اس نے پڑھا ہے اپنے منہ سے سر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے تم اتنے بڑے جھوٹے ہو یہ دیکھو ٹرانسلیشن دیکھو کیا کرتا ہے یہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ فار ایور ہے قیامت محمد کی شریعت جو ہے وہ فار ایور ہے قیامت ہے یہاں پہ شریعت کی بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کی شریعت یا اس کی ٹیچنگ یا اس کا لا یا اس کا قانون نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے آیت کیا کہہ رہی ہے that he may abide with you forever اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ پہ رہے بلکہ یہ
नेक्स्ट चैप्टर में भी गए बट नेक्स्ट कंफर्टर इज कम जब वो कंफर्टर आएगा अब जॉन चैप्टर नंबर 14 से ये भागे सीधा चैप्टर नंबर 15 पे जॉन के चैप्टर नंबर 14 में एक आयत दिखाई और सीधा भागे जॉन चैप्टर नंबर 15 के अंदर अब देखे यहां पे भी ये रोएंगे झूठ बोले बगैर तो इनका गुजारा नहीं होता अभी हमने देखा जॉन चैप्टर 14 की आयत में दो प्रॉब्लम्स है जिनका जवाब इन्होंने नहीं दिया नंबर वन बाप से आएगा नंबर टू वो हमेशा हमेशा रहेगा उसकी शरीयत की बात नहीं हो रही वो रहेगा इन यू ही विल अबाइड इन यू फॉर एवर वो रहेगा तुम्हारे अंदर हमेशा ना हो मोहम्मद तो मर गया कब्र में सलाम अलैकुम लेकिन अब जॉन नंबर चैप्टर 15 में चले गए आइए सुनते हैं चैप्टर 15 की क्या वर्स प्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स लिसन फर्स्ट फिर हम देखेंगे कि यहां पे इनके साथ क्या होने लगा बट व्हेन द कंफर्टर इज कम जब वो कंफर्टर आएगा होम आई विल सेंड अनटू यू फ्रॉम द फादर इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ अब इस पार्ट की ट्रांसलेशन नहीं है बट व्हेन द कंफर्टर इज कम जब कंफर्टर आएगा इसकी ट्रांसलेशन कर दी इन्होंने हिंदी में होम आई विल सेंड अनटू यू फ्रॉम द फादर इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं की जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं जिसको मैं भेजूंगा अपने बाप की तरफ से इस पार्ट की ट्रांसलेशन क्यों नहीं की भाई इस पार्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया भाई अगर स्पिरिट ऑफ ट्रुथ मोहम्मद है तो उसको तो जीसस क्राइस्ट ने भेजा है तो जीसस क्राइस्ट जो है वो मोहम्मद का खुदा है मानो अब दुर फिड़े मुंह तुम्हारे ऊपर मैंने कहा झूठ के पैर नहीं होते मत झूठ बोला करो बाइबल तुम लोगों के ऑपोजिट है कंप्लीटली ऑपोजिट है तुम लोग बाइबल से कभी इस्लाम को साबित कर ही नहीं सकते वहां पे जाते ही क्यों हो बगैर तो whom I will send unto you from the father जिसको जीसस क्राइस्ट भेजेगा बाप से द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ अच्छा आगे देखते हैं विच प्रीसीडेड फ्रॉम द फादर जो बाप से निकला है ही शैल टेस्टिफाई ऑफ मी वो मेरे बारे में टेस्टिफाई करेगा अल्लाह के बारे में नहीं करेगा वंस अगेन जीसस हियर इज क्लेमिंग यहां पे जीसस जो है वो अपने आप को खुदा क्लेम कर रहा है वो मेरे बारे में टेस्टिफाई करेगा शहादा मेरी देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शहादा नहीं देगा स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शहादत मेरी देगा मेरी गवाही देगा मैं भेजूंगा बाप से निकलेगा ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं भाई ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं हमने देखा आज की स्ट्रीम में कि दो और आयतें जो जैद पटेल ने हमें बयान करने की कोशिश की वहां पे अभी मैं आयतों की और किसी जगह नहीं गया मैंने कोई तफसीर नहीं खोली मैंने कोई एक्सरजीट्स नहीं खोले मैंने अभी आपको रेफरेंसेस नहीं दिखाए मैंने अभी आपको ये भी नहीं बताया कि स्पिरिट ऑफ ट्रुथ क्या है ये सब हम पार्ट थ्री में देखेंगे क्यों क्योंकि इसके बाद जैद पटेल सीधा चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 16 पे चलेंगे और वहां पे ये बताने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिट क्या है तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्पिरिट के बारे में बताएंगे और जैद पटेल को समझाएंगे कि बाइबल को पढ़ने के लिए बाइबल को पढ़ना पड़ता है आर्टिकल्स देख देख के डिबेट नहीं की जाती इसके साथ ही आज के लिए इजाजत लेकिन जाते थे याद रखिए एक बात जैद पटेल ने साबित किया है कि मोहम्मद को जीसस क्राइस्ट ने भेजा है और जीसस क्राइस्ट मोहम्मद का खुदा है और इनके अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि मुझे बाप मत कहो और मैं तुम्हारा तुम लोग मेरे बेटे नहीं हो ये सब झूठ है क्योंकि बाइबल सच्ची है क्योंकि बाइबल की जो आयतें ये प्रेजेंट कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो सच्चा होना चाहिए ना जब तक ये आयतें सच्ची नहीं है हाउ कैन ही प्रेजेंट बाकी आयतें बकौल इनके जी करप्टेड है कम अज कम ये तो सच्ची है ना जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर कम अज कम ये सच्ची है तो इन आयतों के मुताबिक मोहम्मद जो है उसका खुदा जीसस क्राइस्ट है और क्राइस्ट ने मोहम्मद को भेजा इस दुनिया के अंदर थैंक यू सो वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो जैद नाउ मेरे साथ मिलके नारा लगाओ तकबीर अल मसीह अकबर तकबीर अल मसीह अकबर यशुआ अकबर अल अजीम